ये इस मर्डर केस के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि 7 अप्रैल को जो है माली पाड़े में पुलिस को इत्तला मिली कि एक नौजवान जिसका नाम है टीकम दास, वो जो है अपने घर में उसकी एक लाश मिली है जिसके ऊपर छुरियों के वार हैं और वो वॉशरूम में लाश पड़ी है। पुलिस मौके पे गई और पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, क्राइम सीन को प्रिजर्व किया और वहाँ पर जो है तफ्तीश का आगाज़ किया, जिसमें CCTV फुटेज और वहाँ पे जो इनके रिश्तेदार थे उनसे हमने बयान वगैरह लिए और उसके बाद एक FIR रजिस्टर हुई जिसमें हमें पता चला कि इसमें 2 मुलजमान जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें कत्ल में जिसमें मेन जो मरकज़ी मुलजम है वो है दर्शन माली और उसके साथ एक उसका साथी है और उन्होंने जो है इसका कत्ल किया और उसकी वजह जो है वो ये बताई जाती है कि इन्होंने जो है इसका कोई पैसों का लेन देन था मकतूल के साथ और पिछले साल जब वो पैसे रिकवर करने की कोशिश की तो इसने जो है इसके ख़िलाफ़ कुछ दरख्वास्तें दीं और इसको अरेस्ट भी कराया, जिसकी वजह से इसके दिल में इसके ख़िलाफ़ बड़ी रंजिश थी और ये इससे बदला लेना चाहता था। तो इसने उससे फिर राब्ता किया और कल ये इसके घर पे गए इसी बहाने से कि जी हम आपसे जो है वो हमें और पैसे कुछ उधार पर चाहिए और हम कुछ सोना या कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं, इनको गिरवी रखें और हमें जो है वो पैसे उधार पर दें। तो फिर जब ड्राइंग रूम में इसने उनको बिठाया मकतूल ने, तो वहाँ पे इन्होंने मौका पाके बेदर्दी से इसको छुरियों के वार करके इसको कत्ल कर दिया। तो पुलिस ने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ टीम्स बनाई थी जिसमें इंचार्ज CIA, SHO सांगड़, SHO किपरो पर मुश्तमल थी और उन्होंने पूरी मेहनत करके जो इनको जल्द अज़ जल्द गिरफ़्तार किया और ये केस थोड़ा सा हाईलाइटेड भी हुआ था, तो इस हवाले से ये बड़ी अहम कामयाबी पुलिस को मिली है।